पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष को पाकिस्तान जाकर गले लगाने वाले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। पार्टी ने उन्हें मंगलवार को बिहार के कटिहार में चुनाव प्रचार के लिए भेजा था, मगर ये क्या, उन्होंने पार्टी के लिए वोट तो मांगा मगर सिर्फ मुस्लिमों का। मोदी और बीजेपी का डर दिखाने के लिए कटिहार के 64% मुस्लिमों का आंकड़ा जुटाकर वोट मांगने पहुंचे सिद्धू ने मुस्लिम वोट बैंक पर लार टपकाई और हिंदुओं को भूल गए। वैसे तो धर्म जाति के नाम पर वोट मांगने पर इस देश में सख्त पाबंदी है, मगर ये बात शायद सिद्धू भूल गए। अगर आपको लगता है सिद्धू ने मतदाताओं को सिर्फ बीजेपी मोदी का डर दिखाया तो आप गलत हैं। सिद्धू को डर था कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक ओबीसी की ओर न चला जाए, इसलिए उन्होंने ओबीसी को भी लपेटे में ले लिया और उन पर मुस्लिम वोट बांटने का आरोप लगा दिया। मैं आप सबको चेतावनी देने आया हूं, मुस्लिम भाइयों, आप 64% आबादी हो यहां पे, अगर तुम लोग इकट्ठे हुए 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहां पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे मोदी। मगर सिद्धू ने शायद ओवैसी को लपेटे में लेकर बड़ी गलती कर दी। इधर सिद्धू ने ओवैसी पर हमला बोला और उधर AIMIM के मुखिया और फायर ब्रांड नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर जबरदस्त पलटवार किया और कहा, आप किसको जोड़ रहे थे इतने साल जब आप बीजेपी में थे? पार्टी जरूर नई है लेकिन सीमांचल का पिछड़ापन पुराना है। मैंने सीमांचल के सभी हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख लोगों के लिए सीमांचल विकास परिषद बनाने के लिए विधेयक पेश किया। AIMIM सीमांचल का विकास चाहती है। कांग्रेस अभी भी बीजेपी का डर के बासी कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। डर चला गया, अब इंसाफ चाहिए। दिल जोड़ने के लिए आपका भाई मलेर कोटला भी आ रहा है इंशाल्लाह। ओवैसी ने पंजाब के मलेर कोटला आने की बात यूं ही नहीं की है। दरअसल इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और सिद्धू पंजाब से ही हैं। सिद्धू को ओवैसी ने जो जवाब दिया है उस पर एक और ट्विटर यूजर ने कहा है, कांग्रेस मुस्लिमों के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ वोट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी AMU में कहा था कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। हाँ तो कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और ओवैसी दोनों का वार पलटवार देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि जिस ओवैसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगते थे वो हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख सबकी बात कर रहे हैं, जबकि सिद्धू सिर्फ कटिहार के 64% मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। वैसे जिस कटिहार में सिद्धू 64% के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक पर डोरे डाल रहे हैं, वो शायद भूल रहे हैं कि उसी कटिहार ने लगातार 3 बार बीजेपी को जिताया है। 1999, 2004, 2009 में निखिल कुमार चौधरी 3 बार यहां से सांसद चुने गए, जिन्हें हिंदू मुस्लिम नहीं यहां की जनता ने वोट किया था। साल 2014 में भले ही NCP के पूर्व नेता तारिक अनवर ने जीत दर्ज की हो, मगर निखिल चौधरी को भी 3,16,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार तारिक अनवर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि गठबंधन के तहत यहां से JDU ने दुलाल चंद्र गोस्वामी को टिकट दिया है। बहरहाल नवजोत सिंह सिद्धू के समाज को तोड़ने वाले बयान को चुनाव आयोग ने संज्ञान में ले लिया है। जिस तरह से मुस्लिम वोट मांगने के लिए मायावती के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे की रोक लगा दी है, अब जल्द ही ऐसी ही कुछ कार्रवाई कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी हो सकती है, क्योंकि EC ने सिद्धू के बयान की CD मंगा ली है कटिहार से। कल प्रियंका जी ने हमें राष्ट्रवाद की नसीहत दी थी कि बीजेपी का राष्ट्रवाद एक है और हमारा दूसरा है, और हम अपने राष्ट्रवाद में सबों की चिंता करते हैं। प्रियंका गांधी जी अपने पार्टी के विरासत को थोड़ी भूली हैं, लेकिन आज उनके पार्टी के एक नेता के वीडियो से मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए शुरू कर रहा हूं कि जो 64% माइनॉरिटी का आह्वान सुना गया है बिहार के कटिहार में, ये क्या है, ये कौन सी नसीहत दी जा रही है
और ये राष्ट्र को कैसे मजबूत करने की बात की जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी वही है जिसने सच्चर कमीशन के द्वारा अपनी सरकार में यह कहा था कि सेना के अंदर भी हेड काउंट होना चाहिए कम्युनिटी के अनुसार, याद है ना। बांटने की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है, इट इज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस डीएनए टू डिवाइड। और कल का उनका वक्तव्य और आज, और यह परंपरा कोई नई नहीं है। जेएनयू में जब देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहा जा रहा था तो उसको संबोधित करने कौन गए थे, उनको एड्रेस करने कौन गए थे? राहुल गांधी गए थे। तो क्या उससे राष्ट्रवाद पनप रहा था क्या? ये कौन सी नसीहत देने की बात की जा रही है? और आप देखेंगे सबों का स्वर एक है, जो प्रियंका जी ने कहा उसी को मायावती जी ने दूसरे प्रकार से कहा, उसी को सिद्धू जी के एक और प्रकार से कह रहे हैं, और उसी को ममता जी तृणमूल के प्रचार में बंग्लादेश के हीरो दाकर प्रचार कर रहे हैं। अब वीसा लिया कि नहीं, बाकी लिया कि नहीं, वो एक अलग विषय। और ये मैं इसलिए इसको उठाना बहुत जरूरी है कि चाहे वो आसाम के बदुद्दीन अजमल हो, उनकी क्या भाषा थी कि नरेंद्र मोदी को बाहर जाकर चाय बेचना पड़ेगा, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। उनके पक्ष में आसाम के कौन से तत्व होते हैं बताने की जरूरत नहीं है। एनआरसी का क्यों विरोध होता है बंगाल और आसाम में, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। हमारी सोच बहुत साफ है, जो अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित होकर आते हैं उनको हम संरक्षण देंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो सिख हो। लेकिन जो भारत में गलत तरीके से घुसने की कोशिश करता है उसका हम विरोध करते हैं। तो एक प्रकार से तो हमारी सोच राष्ट्रवाद को प्रभावी करने की है। अब एक और विषय आया, आजकल कश्मीर से चुनाव के वक्त आवाज उठ रही है कि हम जब चाहे भारत के टुकड़े कर दें। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है पूरा देश में, इनकी पूरी सोच क्या है? तो प्रियंका जी, थोड़ा सा राजनीति के इस विरासत को समझने की जरूरत है। और मैं तो मानता हूं कि वायनाड राहुल गांधी जी का जाना भी उसी राजनीति को प्रोत्साहित करना है जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा हूं, क्योंकि वो अपने को अमेठी में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सामान्यतः मैं प्रियंका जी से कभी उनका मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, आई है राजनीति में, अच्छी बात है, उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन चूंकि राष्ट्रवाद की नसीहत हमें दी जा रही थी तो आज मुझे दो सवाल उनसे भी पूछने हैं। अगर इतना प्रेम है तो तीन तलाक का विरोध आपकी पार्टी क्यों कर रही है? आप भी महिला हैं और आपकी माता जी भी एक महिला नेत्री हैं, तो जब नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान की बात होती है तो आपकी पार्टी विरोध करती है राज्यसभा में कि हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है? तो तीन तलाक का विरोध और अभी जो टीवी पर दिखाया गया, इन दोनों में भी समानता है। डिवाइड करो वोट बैंक के नाम पर, यह है समानता। और थोड़ा हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, शाहबानों के मामले में किनकी पार्टी झुकी थी, कानून का बदलाव किसने किया था, उस समय राष्ट्र की आत्मा कहां गई थी? बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, और आज तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त किया गया, कहा गया यह अन्याय है, 22 इस्लामिक मुल्कों में इसका निराकरण हो चुका है लेकिन यहां नहीं हो सकता,
क्योंकि वोट बैंक की दीवार खड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी हमें राष्ट्रवाद की नसीहत न दे।